सभी लोग मंदिर से घर आ चुके थे, लेकिन काशी जी अब भी कंफ्यूज थे कि आखिर माही गई कहाँ थी। दूसरी तरफ माही अपनी मुट्ठी में वो पाउडर वाली पुड़िया दबाकर जीप से उतरी तो तभी उसकी नजर काशी जी पर गई। काशी जी उसे थोड़ा अजीब तरह से घूर रहे थे। वो मन ही मन बोली, आखिर बात क्या है, पिताजी मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं, कहीं उन्होंने मुझे हवेली में देख तो नहीं लिया। सोचते हुए माही काशी जी को इग्नोर कर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। इसके बाद माही अपने हाथ में पकड़े उस पाउडर की पुड़िया को देखकर बोली, बस अब इंतजार है तो शाम के खाने का, जैसे ये जड़ी खाने में पड़ेगी मेरा काम आसान हो जाएगा। चांदनी, तुमने उस लॉकेट को फिर भले किसी भी कोने में छिपाया होगा, मैं खोज निकालूंगी। कहते हुए माही जोर से हंसने लगी। तभी एक जोरदार हवा का झोंका कमरे के भीतर दाखिल हुआ। उस हवा के झोंके से जोर से खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। माही एकदम से चौंक गई और रुकते हुए बोली, ये क्या था। ठीक ऐसा ही एहसास मुझे उस हवेली में भी कई बार हुआ है। वो इस बारे में कुछ और सोचती उससे पहले उसे अपने आसपास कुछ आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसाया हो। माही मुट्ठी में कसी उस पुड़िया को खिड़की के करीब रखते हुए यहाँ वहां देखते हुए बोली, कौन है, शेखरन तुम हो क्या। कहते हुए उसने अपने आसपास सभी जगह देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। इसके बाद बिस्तर पर लेट गई और शाम की योजना के बारे में सोचने लगी। एक तरफ माही शाम के खाने में शेखरन की दी हुई जड़ी डालकर सभी को बेहोश करने का प्लान बना रही थी, वहीं दूसरी ओर घर के दूसरे लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे। चेतन अपने अखबार के लिए आर्टिकल लिखने में व्यस्त था, वहीं गोमती और चांदनी बाहर आंगन में बैठकर गौतम की पढ़ाई में मदद कर रही थी। जैसे कुछ देर बाद वीर सिंह दोपहर के समय घर लौटा तो काशी जी को किताबों वाले कमरे में अकेला बैठा पाया। वो कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोला, पिताजी क्या मैं आ जाऊं। तभी काशी जी का ध्यान टूट गया, जो कि किसी किताब को गहराई से पढ़ने में व्यस्त थे। वो वीर सिंह को देखते ही बोले, अरे वीर सिंह आओ आओ। वीर सिंह ने एक कुर्सी ली और मुस्कुराकर बैठते हुए बोला, जब से आप यहाँ आए हैं इस पुस्तकालय की रौनक बनी हुई है, वरना मैंने तो इसे लगभग त्याग ही दिया था। ये सुन काशी जी ने अपना चश्मा उतार कर टेबल पर रख दिया और जिस किताब को वो पढ़ रहे थे उसे बंद करते हुए बोले, पुस्तकें ही इंसान की वास्तविक मित्र होती है, जो ज्ञान के साथ साथ जीवन जीने का रास्ता भी बतलाती है। ये सुनते ही वीर सिंह के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो धीरे से बोला, सही कहा पिताजी, मेरा भी यही मानना है। बचपन से लेकर बड़े होने तक माही और मैं साथ साथ इन्हीं किताबों के बीच रहे हैं। दद्दा जी से मिले तोहफे में सबसे कीमती तोहफे यही है। जब गांव में खूनी वधु का कहर था तो मेरा ज्यादा वक्त यहीं बीतता था, ताकि मैं दद्दा जी के ज्ञान से सभी को बचा सकूं। लेकिन खूनी वधु के जाने के बाद सब सामान्य हो गया, तब से इस कमरे में भी आना कम हुआ है। खैर वो सब छोड़िए, आज आप बीच हवन में कहाँ चले गए थे और काफी देर बाद लौटे, उस वक्त ये बात अधूरी रह गई थी। तब काशी जी ने उसकी बात के जवाब में थोड़ा नजरें झुकाकर कहा, बेटे देखो मैं जो कहूं उसे थोड़ा ध्यान से समझना, क्या तुमने माही के स्वभाव में बदलाव फील किया। ऐसा लगता है वो कहीं खोई सी है और हर बार बेचैन सी नजर आती है। मुझे ऐसी आशंका है कि हमारी माही अब पहले जैसी माही नहीं रही, कुछ तो है जो वो हमसे छिपा रही है। पुराना मानना बेटा, लेकिन मुझे लगता है माही के जरिए इस घर में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये सुनते ही वीर सिंह थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिना पिताजी, भला हमें अपनी माही से क्या खतरा हो सकता है। तब काशी जी तुरंत बोले, मेरा अनुमान गलत नहीं है बेटे, और तो और चांदनी को भी यही लगता है। उसका तो मानना ये है कि खतरा घर के भीतर आ गया है। तुम ही सोचो कि आखिर माही मंदिर से गायब क्यों थी। तब वीर सिंह तुरंत बोला, पिताजी मैंने आपको तब भी बताया था कि माही वही थी, वो तो सिर्फ मंदिर की परिक्रमा कर रही थी। बस अब आप इस बारे में ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप खामखा माही पर शक कर रहे हैं। मुझे अपनी बहन पर विश्वास है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे परिवार के लोगों को नुकसान हो। वीर सिंह ने अपनी बात पूरी तरह खत्म भी नहीं की थी कि अलमारी में रखी एक किताब जोर से जमीन पर गिरी, जिसकी आवाज से काशी जी और वीर सिंह दोनों डर गए। वीर सिंह ने उस किताब को उठाते हुए कहा, ओह चित्रलेखा किताब, लो आप अभी किताबों के मित्र होने की बात कर ही रहे थे और ये किताब सामने आ गई। इस किताब ने हम लोगों की बहुत मदद की है। किताब के कारण काशी जी और वीर सिंह अपनी मुख्य बात से भटक गए। तभी काशी जी भी बोले,
चित्रलेखा किताब से याद आया कि एक लंबे समय से चित्रलेखा ने भी हमसे संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की। ये सुन वीर सिंह भी शांत रहकर उस किताब को ध्यान से देखने लगा और फिर धीरे से बोला, सही कहा पिताजी, खूनी वधु के उस हादसे के बाद चित्रा भी कभी सामने नहीं आई। ये कहते हुए वीर सिंह ने उस किताब को वहीं टेबल पर रख दिया और कमरे से बाहर की ओर जाने लगा। साथ ही काशी जी भी कमरे से बाहर आ गए। जैसे ही वो दोनों कमरे से थोड़ा दूर हुए, तभी टेबल पर रखी चित्रलेखा किताब में पन्ने तेजी से फड़फड़ाने लगे और किताब एक खाली पन्ने पर जाकर रुक गई। थोड़ी देर में शाम हो गई। चांदनी अपने कमरे में बिल्कुल शांत बैठे बैठे कुछ सोच रही थी, तभी चेतन का ध्यान चांदनी पर गया। काम करता चेतन अपने मुंह में पेन दबाए कुछ पल उसे देखता रहा और फिर धीरे से बोला, क्या बात है चांदनी, मैं तुम्हें आज दोपहर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम बहुत बेचैन नजर आ रही हो, आखिर बात क्या है? इस सवाल के जवाब में चांदनी बिना उसकी ओर देखे ही बोली, रहने दो चेतन, तुम जानकर भी क्या करोगे, छोड़ो उसे। इतना कहकर चांदनी दोबारा सोचने लगी। तभी चेतन दोबारा बोला, ऐसे छिपाने से भी क्या फायदा, मुझे बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। ये सुनकर चांदनी झट से पलटी और दरवाजा बंद कर चेतन को घूरते हुए बोली, तुम्हें जानना है ना कि मैं परेशान क्यों हूँ, तो सुनो, तुमसे पहले से मुझे पता था कि माही जिंदा है और वो भी ऐसे कि, कहते हुए उसने माही से जुड़ी हर वो बात बताई जो कि उसने जानी थी। पहले तो चेतन ने सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, कहानी अच्छी बनाई है तुमने चांदनी, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देती कि माही के आ जाने से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस बकवास को भूल जाओ। तब चांदनी चेतन के पास आई और उसके हाथ को थामते हुए बोली, प्लीज चेतन, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन चेतन अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, बस चांदनी बस, भला माही किसके साथ मिलकर ये सब करेगी, माही का कोई साथी नहीं हो सकता, वो किसी को नहीं जानती, और तुम जानती हो कि मैं इतनी श्योरिटी से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले से मैं उसे जानता हूँ। एक बात याद रखना कि मैं माही के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं उससे आज भी, कहते हुए चेतन रुक गया और सीधा कमरे से बाहर चला गया। चांदनी भी शांत खड़ी सोचती रह गई, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें पोंछते हुए अपने बेड पर बैठकर सोचने लगी। एक और दिन बीत गया और माही कब से शाम होने का ही इंतजार कर रही थी। जैसे उसने रसोई में होने वाली हलचल सुनी तो वो तुरंत ही उठ खड़ी हुई और दरवाजे से रसोई की ओर देखते हुए खुद से बोली, चलो अब समय आ गया है अपने काम को अंजाम देने का, वैसे भी मुझे कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया। ये सोचते हुए वो कमरे में लौट आई और उस पुड़िया को दोबारा अपनी मुट्ठी में बंद कर कमरे से बाहर चली गई। जैसे माही किचन के करीब पहुंची तो शाम के खाने की तैयारी कर रही गोमती जी माही को देख खुश होते हुए बोली, अरे दीदी आप यहाँ क्यों आई, मैं और चांदनी दीदी मिलकर आज आपकी पसंद का ही खाना बना रहे थे, आप कमरे में जाकर रेस्ट कीजिए, फिर सभी लोग साथ ही खाएंगे। गोमती की बात सुन माही बिल्कुल बनावटी अंदाज में बोली, नहीं भाभी अब और कब तक रेस्ट करूं, मन ही नहीं लग रहा था तो सोचा आप लोगों की ही मदद कर दूं। कहते हुए माही बनते खाने के बर्तनों को देखने लगी, तभी वो ये देख खुश होते हुए बोली, अरे वाह खीर तो मुझे बहुत पसंद है, मेरे साथ साथ चेतन की भी फेवरेट है खीर, वो भी मेरे हाथ से बनी। जैसे माही ने ये बात कही तो गोमती और चांदनी दोनों के चेहरे उतर गए, लेकिन तभी माही दोबारा बोली, वैसे ठीक किया भाभी जो आपने खीर बनाई, काफी दिन बाद मैं किसी और के हाथ से बनी खीर खाऊंगी, रही बात चेतन की तो मेरी जगह तो चांदनी ने ले ही ली है, तो उसे तो शायद चेतन की पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रहता होगा, क्यों चांदनी ठीक कहा ना मैंने। चांदनी ने माही की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो माही की बातों से चिढ़कर किचन से बाहर जाते हुए बोली, भाभी मैं अभी आती हूँ तब तक आप देखिए। जैसे ही चांदनी बाहर गई तभी वीर सिंह ने भी गोमती को किसी काम के लिए बाहर से आवाज लगा दी। गोमती वीर सिंह की आवाज सुन वहां खड़ी माही से बोली, दीदी बस दो मिनट देखेगा मैं अभी आई। इतना कहते हुए गोमती जैसे ही बाहर गई तो माही खुशी से उछल पड़ी और खुश होते हुए बोली, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है, लगता है आज किस्मत मेरे साथ है। इतना कहते हुए उसने तुरंत मुट्ठी में दबी वो पुड़िया खोल ली और बर्तन के ढक्कन हटाते हुए बड़बड़ाई, बस हो गया समझो। कहते हुए वो जड़ी वाला पाउडर खीर में डालने ही वाली थी कि अचानक दौड़ता हुआ गौतम किचन में दाखिल हुआ, जिसके कारण माही घबरा गई और उस पुड़िया को दोबारा मुट्ठी में बंद कर अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए।
तभी गौतम पानी पीते हुए माही को इस तरह देखकर मासूमियत से बोला, क्या हुआ बुआ जी, आप इस तरह डर क्यों गए? तब माही उसकी बात सुन थोड़ा नॉर्मल होकर बोली, अरे नहीं नहीं गौतम, मैं तो बस ऐसे ही। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी गोमती दोबारा किचन में लौट आई। ये देख माही गुस्से से भर उठी, लेकिन वो धीरे से गौतम के साथ किचन से बाहर आकर सीधा अपने कमरे की ओर चली गई और अपने हाथ में रखी उस छोटी पुड़िया को टेबल पर पटकते हुए जोर से चिल्लाई, हाथ आया, एक अच्छा मौका छूट गया, मैं एक बार फिर फेल हो गई। बस बहुत हुआ, आज फेल हो गई तो क्या, कल फिर से ट्राई करूंगी, लेकिन मैं उस लॉकेट को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। इतना कहते हुए वो दोबारा कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर में सभी लोग खाने के लिए एक साथ किचन में आ गए। साथ मिलकर सभी ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। चांदनी पलंग पर शांति से लेटी हुई थी कि तभी चेतन खिड़की के पास चांदनी की ओर पीट करके खड़ा हो गया और बिल्कुल धीरे से बोला, सॉरी और थैंक यू चांदनी। तब चांदनी धीमे स्वर में बोली, किस लिए? तब चेतन चांदनी की ओर मुड़ते हुए बोला, सॉरी तुम्हें कुछ ज्यादा ही बुरा कहने के लिए और थैंक यू शाम की खीर के लिए। टीसन चांदनी थोड़ा नाराजगी से बोली, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है चेतन, तुमने जो कहा वो तुम्हारे नजरिए से सही है और खीर के लिए थैंक यू तुम्हें भाभी को कहना चाहिए, मुझे नहीं। इतना कहकर चांदनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तब चेतन बेड पर उसके पास बैठते हुए बोला, माही के साथ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है मैं अच्छे से समझता हूँ चांदनी, लेकिन इस तरह के आरोप वो भी बिना सबूत के, ठीक बात नहीं, उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि शांति बनी रहे, तो प्लीज तुम भी थोड़ा मेरी तरह सोचो। इतना कहकर जब चेतन शांत हुआ तो चांदनी ने जवाब में कहा, ठीक है चेतन, अब जब सबूत होगा तभी बात करेंगे। इसके बाद चेतन उठकर छत पर टहलने चला गया। दूसरी तरफ देर रात माही कमरे में टहल रही थी, तभी उसकी नजर उस पुड़िया पर पड़ी। वो उसे हाथ में उठाकर देखते हुए बोली, इसे मुझे सुरक्षित जगह रखना होगा, किसी की नजर पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। तभी अचानक दोबारा तेज हवा का झोंका आया और वो पुड़िया उड़ाता हुआ खिड़की से बाहर ले गया। बंद पुड़िया हवा में खुलकर पूरी तरह बिखर गई, जिसे देख माही हैरानी से बोली, ऐसा कैसे हो गया, अब मेरे प्लान का क्या होगा? ओ नो, वो पैकेट खुल कैसे गया, आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? कहते हुए वो कांच के सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से से खुद को देखकर बोली, मुझे दोबारा शेखरन से मिलना होगा, कल के कल ही मुझे वो वापस चाहिए। इतना कहते हुए जैसे ही वो कांच के सामने से हटी तो कांच में चित्रलेखा की परछाई उभर आई, जो बिस्तर पर लेटी माही को देख मुस्कुरा रही थी। तो क्या सभी की जान बचाने के लिए चित्रलेखा लौट आई है? अगर हाँ तो वो माही को कैसे रोकेगी? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी।